आईपीएल 2024 में बहुत सारे मुकाबले चल रहे हैं, लेकिन कल का एक मुकाबला बहुत यादगार रहा क्योंकि उसमें एक इमोशन खेल रहा था। मतलब महेंद्र सिंह धोनी, जिनको एक प्लेयर नहीं एक इमोशन माना जाता है भारतीय टीम में, और वो खेल रहे थे सीएसके की तरफ से। अब मैं आप लोगों को कहानी सुनाना चाहता हूं कि आप लोगों ने स्कोर देखा होगा, 16 गेंदों में 37 रन महेंद्र सिंह धोनी ने कैसे बनाए, ये मैं एक एक बॉल का आपको डिटेल दूंगा। एक एक बॉल मतलब जो बीट हुए हैं और सिंगल्स उनकी छोड़ के जो उन्होंने बाउंड्रीज कवर किए उनका मैं आज आप लोग को विश्लेषण दे रहा हूं। तो कहानी यहां से शुरू होती है, 16.1 ओवर महेंद्र सिंह धोनी आते हैं ग्राउंड पे, पूरा एकदम माहौल बना रहता है। माहौल मीन्स कि दर्शक इतने उत्साहित हो जाते हैं, इतने उत्साहित आप शोर आप लोग सुन ही सकते हैं, थाला थाला का मतलब स्वर गूंजने लगता है। पहले गेंद में आते हैं महेंद्र सिंह धोनी, सभी लोग एकदम, जो लोग नहीं देख रहे होते हैं वो लोग भी अपना मोबाइल खोल लेते हैं, टीवी ऑन कर लेते हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी पहली बार बैटिंग करने आ रहे थे। तो 16.1 ओवर के बाद पहली गेंद फेस करने वाले थे महेंद्र सिंह धोनी, और बॉलिंग में थे मुकेश कुमार, जिन्होंने बहुत बेहतरीन इस मैच में ओवर अभी तक किया था। एक ओवर में 2 विकेट उन्होंने ले चुके थे, दूसरा ओवर करना जारी रखा था। तो ये पहली बॉल होती है महेंद्र सिंह धोनी के लिए, और महेंद्र सिंह धोनी ने उसको बेहतरीन तरीके से स्क्वायर लेग में, नटराज स्टाइल में, जो उनकी स्टाइल होती है उस स्टाइल में उन्होंने बहुत बेहतरीन चौका मारा और सारे दर्शक एकदम खुश हो गए। ये पहला शॉट था उनका चौका। उसके बाद फिर एक मोमेंट आता है कि जब महेंद्र सिंह धोनी शॉट लगाते हैं लगभग पॉइंट की दिशा में और वहां पर खलील से कैच छूट जाता है, तो उस समय दुआएं ये नहीं रहती हैं, चाहे दिल्ली की टीम हो चाहे चेन्नई की टीम, केवल एक ही दुआ सबके उसमें थी, भाई कैच छूट जाना चाहिए। और वो खलील ने काम किया भी, उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया और वहां से सब दर्शक खुश हो गए। उसके बाद फिर आता है क्या, अगली बॉल आती है और कवर में इतना बेहतरीन चौका लगाते हैं महेंद्र सिंह धोनी, उनकी याद आ जाती है जिस तरह से वो अपने शुरुआती दिनों में बैटिंग किया करते थे, कवर में चौका लगा के बेहतरीन तरीके से। उसके बाद फिर एक छक्का वो फिर से लगाते हैं कवर में, हमने जो कवर में उनका मारने का स्टाइल हमेशा से देखा था, कल एक बार फिर से हम लोग को देखने को मिला। तो छक्का एक लगाते हैं फिर से कवर में और वहां से शोर इतना ज्यादा हो जाता है, चेन्नई हालांकि मैच में काफी पीछे चल रहे थे लेकिन फिर भी थाला की बैटिंग देख के काफी लोग उत्साहित हो रहे थे। तो बहुत ही अच्छा ये मोमेंट देखने को मिला। फिर सबसे बड़ी बात एक आती है लास्ट ओवर, जो कि नारकिया बॉलिंग कर रहे थे, जो कि विश्व के मतलब सबसे फास्टेस्ट तेज गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। तो वो बॉलिंग लास्ट ओवर शुरू करते हैं, 20वां ओवर, चेन्नई हालांकि यहां से मैच जीतने वाली नहीं थी, फिर भी महेंद्र सिंह धोनी ने जो अपना एक इंटरटेन किया दर्शकों को वो बहुत तारीफे काबिल था, और मुझे लगता है और थोड़ा पहले आते तो महेंद्र सिंह धोनी मैच भी निकाल जाते। तो मैं अब 6 गेंदों की ये कहानी आपको सुनाने वाला हूं कि पहली गेंद आती है और वो फिर से कवर ड्राइव फिर से उनको देखने को मिलता है, चौका पहली बॉल पे जैसे वो मारते हैं थोड़ा सा आगे आके और अपना एक पोस्चर लेते हैं, उस स्टाइल में उन्होंने बेहतरीन चौका कवर में मारा और ये होते 20वें ओवर की शुरुआत। नारकिया वहां पे हतप्रभ रह जाते हैं, दर्शक बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर आती है 20वें ओवर की दूसरी गेंद, जिसमें भाई देख के सब लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते, क्योंकि क्या हुआ था उस गेंद में, मिड विकेट पे उन्होंने एक हाथ से छक्का मारा था। मतलब उन्होंने बता दिया कि भाई अभी हम भले ही 40-42 साल के हो गए लेकिन हम छक्का मारना भूले नहीं। एक हाथ से उन्होंने छक्का मिड विकेट पे मारा, सारे दर्शक खुश, धोनी इतनी बेहतरीन आवाजें आ रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि आज 2024 आईपीएल का सबसे फाइनल दिन है। ये तो रहे दूसरे गेंद की, फिर तीसरी गेंद डॉट करते हैं। अब लोगों को ये लग रहा था कि अब क्या होगा, 3 गेंदें बची है, महेंद्र सिंह धोनी ही स्ट्राइक में रहना चाहिए सबको लग रहा था, और अभी तक वो स्ट्राइक में थे ही। 3 गेंद होने के बाद 4थी गेंद फिर से आती है और वो फिर से उनके बैट में अच्छे से कनेक्ट नहीं होती, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का पावर कि वो मिड आर्म पे फिर से चौका जाता है, फिर से 4 रन जाता है, सारे दर्शक फिर से खुश हो जाते हैं। तो इस तरह महेंद्र सिंह धोनी काफी इंटरटेनमेंट किया। फिर अभी 2 गेंदें बची होती है, 2 गेंदों में दर्शक क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, चौका नहीं छक्का चाहिए हमको भाई। फिर से उसके बाद आती है 5वीं गेंद, हालांकि वो डॉट हो जाते हैं, और 6ठी गेंद रहता है, सबको ये लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी
अपने स्टाइल में वो फिनिश करना चाहिए, भले ही मैच तो जीते या ना जीते। और महेंद्र सिंह धोनी ने वैसा ही किया, छठवीं बॉल आती है उन्होंने फिर से उसको कवर के ऊपर से बेहतरीन छक्का मारते हैं, और उसके बाद जो दर्शक एकदम विशाखापट्टनम के दर्शक इतना ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, इतना ज्यादा करते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो आज ही फाइनल है और चेन्नई ये फाइनल जीत गए। तो कल भाई सबकी आंखों को एक सुकून मिला है महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग देख के, और गजब ही गजब। मतलब जो लोग नहीं देखे तो आप लोग हाईलाइट जाके देख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी की। मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट पारी भी मुझे देखने को मिली। खैर उन्होंने ऐसी ऐसी पारी अब बहुत सारी खेली है, लेकिन गजब की पारी कल, मजा आ गया। अगर ये मैच जीत जाती चेन्नई तब तो सोने में सुहागा हो जाता, लेकिन थाला ने जो इंटरटेनमेंट किया कल, मजा आ गया। बेहतरीन लय में दिख रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। दूसरे टीमों के लिए भाई ये एक खतरे की घंटी हो सकती है। ये नहीं सोचना चाहिए लोगों को महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग आ गई तो मैच लगभग निकल गया। भाई वो जब तक वो है तब तक मैच जीत सकते हैं। तो वेल डन थाला, और हम लोगों को इंटरटेनमेंट करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी को बहुत बहुत धन्यवाद। और गजब है, और हीरो कैम में जो दिखाते हैं उनको वो लाजवाब रहता है। तो आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग देख के, और उनके बालों को और उनके लुक्स को देख के क्या आपकी प्रतिक्रिया है, कैसा आप लोग इस IPL को देख रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी के लिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।